ऑस्ट्रेलिया से हजारों मील का सफर तय करके घनसाली के कोपरधार पहुँचे ये विदेशी मेहमान उत्तराखंड के भीड़ पालकों की तस्वीर बदलने आए हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार के अभिनव प्रयोग से मेरिनो नस्ल की 240 भेड़ें राजकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र कोपरधार लाई गई हैं। राज्य में भेड़ों की नस्ल में सुधार व ऊन उत्पादन में वृद्धि के मकसद से मेरिनो भेड़ आयातित की गई हैं। इन भेड़ों में 41 नर व 199 मादा भेड़ हैं। मेरिनो प्रजाति की भेड़ों को स्थानीय भेड़ों से क्रॉस करवाया जाएगा ताकि भविष्य में भी अच्छी नस्ल की भेड़ें यहाँ पर्याप्त मात्रा में हो। एक निर्धारित ब्रीडिंग प्लान के तहत स्थानीय व मेरिनो भेड़ों के उत्पन्न भेड़ भेड़ पालकों को वितरित किए जाएंगे। इन भेड़ों से अच्छी ऊन प्राप्त तो होगी ही, भविष्य में उच्च कोटि का जर्म प्लाज्म भी तैयार होगा। सामान्य भेड़ों की तुलना में मेरिनो भेड़ एक बार में 3 से 4 गुना ज्यादा ऊन देती है। मेरिनो की ऊन अधिक मुलायम व नर्म होती है जिससे इसे बाजार में स्थानीय ऊन के मुकाबले कई गुना ज्यादा कीमत मिलती है। उत्तराखंड में भेड़ पालन बहुत लंबे समय से एक पारंपरिक प्रोफेशन रहा है और कई सारे लोग अपने लाइवलीहुड के लिए भेड़ पालन के साथ जुड़े हुए हैं। अपैरल वूल प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए ये डिसाइड किया गया था कि हम फाइन वूल के कुछ ब्रीड्स को इम्पोर्ट करेंगे और एक स्ट्रक्चर्ड ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के माध्यम से हमारी जो भेड़ है उसके नस्ल सुधार कराया जाएगा। तो इसके लिए भारत सरकार से हमने प्रपोजल भेजा था, भारत सरकार की अनुमति के साथ फिर हमने इम्पोर्ट किया। इसमें 240 हमारी मेरिनो भेड़ ऑस्ट्रेलिया से आए हैं जो बहुत ही उच्च कोटि के हैं और यहाँ आने के बाद एक बार हमने उनका ऊन कतरन किया है तो अच्छी बात यह है कि उसकी क्वांटिटी में और क्वालिटी में कोई कमी नहीं आई है, मतलब हमारी वातावरण को वो सूट कर रहे हैं। उत्तराखंड भेड़ व ऊन विकास बोर्ड भेड़ों की नस्ल सुधार कार्यक्रम के अलावा ऊन उत्पादन क्षमता को बढ़ाने व इससे स्थानीय लोगों की आय बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।